आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च और लहसुन का अचार, जिसमें हमने लहसुन और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और साथ ही हमने फ्लेवर के लिए इसमें थोड़े से अदरक के टुकड़े भी काट के रखे हुए हैं। लहसुन मैंने लिया है 1/2 किलो के करीब, और वहीं हरी मिर्च ली है मैंने 250 ग्राम, और 100 ग्राम के करीब मैंने अदरक ली है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट रखा है। नॉर्मली आपने देखा होगा मिर्च के अचार को हम लंबी मिर्च करके काटते हैं, पर ये मैंने छोटे छोटे मिर्च करके काटी हुई हैं, जो जिससे इसमें मसाला सारा घुल जाए। और इसके लिए हमने एक मसाला पहले ही तैयार करके रख लिया है, जिसमें हमने कुछ साबुत मसाले भी यूज किए हैं, जैसे लहसुन, पीली सरसों, कलौंजी, मेथी, और इसमें हमने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और मेथी और जो ये खड़े मसाले हमने डाले हैं उनका भी एक मिक्सचर बना के हमने दोनों साबुत मसाले और पीसे मसाले एक बना लिए हैं। साथ में हमने थोड़ा सा रखा है अमचूर पाउडर, जिसे हम इसमें मिलाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी तेल गर्म हो चुका है और इसमें से धुआं भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले हल्का सा अपने लहसुन को और मिर्ची को फ्राई कर लेंगे, ये सब इसलिए ताकि इसका कसैलापन निकल जाए, और साथ ही साथ हम इसमें अदरक भी डाल देते हैं। आपने देखा होगा मैंने सरसों का तेल बहुत कम यूज किया है, ताकि बस ये हल्का सा फ्राई हो जाए और जो इनका कसैलापन है लहसुन का वो हट जाए, और साथ ही अदरक और मिर्च में जो मॉइस्चर है वो भी इसमें से हट जाए। इसमें ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं करना है। तेल मैंने आपने देखा होगा मैंने सरसों का प्रयोग किया है, मैंने पतंजलि सरसों का तेल कच्ची वाली यूज़ किया है। आप कोई भी सरसों का तेल इसमें डाल सकते हैं, अचार में सरसों का तेल भी डालें वही ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा देता है। जब ये हल्के पक जाएंगे, सेमी फ्राई हो जाएंगे, तब हम इनको निकाल देंगे। अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग दाल चावल के साथ भी अचार पसंद करते हैं या रोटी सब्जी के साथ भी, तो आप इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। इसके मैंने कुछ लहसुन जो छोटे हैं उन्हें तो साबुत ही रहने दिया है, पर जो लहसुन बड़े थे उनको मैंने 2 भागों में काट दिया है। जब ये हल्के फ्राई हो जाएंगे तब हम इनमें अपना बाकी का मसाला भी डाल देंगे। अब इसमें हम साथ ही साथ अपना मसाला भी जो है हमने बनाया हुआ उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। आजकल बाज़ार में भी काफ़ी बने बनाए अचार आ जाते हैं, आप अचार मसाला आ जाते हैं, आप उनको डाल सकते हैं। मैं इसमें साथ ही साथ अमचूर पाउडर भी डाल दूँगी।
अचार में हमने कुछ मसाले तो पीस लिए थे, वही चीज़ें, और उन्हीं चीज़ों का हमने खड़ा मसाला भी तैयार कर लिया था, यानी कि साबुत मसाले जो हमने डाले थे। पहले हमने सभी मसाले पीस लिए थे, जिसमें हमने मेथी डाली थी, कलौंजी डाली थी, सौंफ डाली थी, नमक था और थोड़ा काला नमक भी हमने इसमें डाला था, लाल सूखी मिर्च, जिसके कारण इसमें बहुत अच्छा कलर आ रहा है, और थोड़ा मैंने इसमें हल्दी और धनिया मसाला और जीरा मसाला भी डाला था। और साथ ही साथ इसके बाद हमने इसमें जो आप देख रहे होंगे साबुत मसाले जो हमने डाले हैं इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, इसमें हमने सौंफ डाली है, पीली सरसों डाली है, कलौंजी डाली है, मेथी दाना डाला है, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, आप इसका रंग देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा ऑयल भी हमने डाला ही नहीं है। अब हम इसको एक छोटे से कटोरे में निकाल लेते हैं, आप देखिएगा, आप इसको खाना शुरू कर सकती हैं और फ्रिज में भी रख सकती हैं, या दो तीन दिन सुखाना चाहें तो सुखा भी सकते हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं और चार को एक ये देखिए, ये हमने अचार पूरा हमारा तैयार हो गया है, आप देखते होंगे दिखने में बहुत ही सुंदर, और खड़े मसाले भी इसके सारे साबुत मसाले जो भी हैं वो दिख भी रहे हैं, यही इसकी असली स्वाद को बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि अचार जो है काफ़ी ड्राई ड्राई बना है, ज़्यादा इसमें ऑयल का हमने प्रयोग नहीं किया, तो इसे खाइए और इसके टेस्ट का मज़ा लीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा।